तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबीटेक। तो आज का वीडियो मेरा आज का मेन मोटिव यही रहेगा कि आप अपने इंटरनल स्टोरेज को कैसे इंक्रीज करें। तो इसके लिए हमें पहले फाइल मैनेजर, किसी भी फोन में फाइल मैनेजर फाइल किसी भी आपके नाम से हो सकता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और इसमें इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है। आप अभी देख सकते हैं जैसे कि मेरी इंटरनल स्टोरेज 2.2 GB फ्री है, मतलब कि 8 GB में से 2 GB बचा है। तो हमें यहाँ पे जाना है इसके अंदर और यहाँ पे ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये अभी प्रोसेस हो रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट ये वीडियो मेकर का है क्योंकि मैं इसको इस ऐप को यूज़ करता हूँ, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि चेज इसमें बहुत से जंक फाइल और चेज बन जाते हैं, तो इसमें इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आप इनको डिलीट कर सकते हैं बहुत से, जैसे कि ये मेरा अपना पर्सनल है एबीटेक, ये मेरा अपना फोल्डर है। और हाँ जी दोस्तों, ये देखिए एंड्रॉइड फोल्डर, ये एंड्रॉइड फोल्डर है, ये सभी सिस्टम में होता है और इसका यूज़ है कि आप जो भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हो, या जैसे कि आप फ्री फायर यूज़र हो तो आप उसका बैकअप या चेज वगैरह, मतलब कुछ उसकी फाइल हो जाती है तो इसमें सेव रहती है। अगर इसको डिलीट कर दोगे तो आपको फ्री फायर दोबारा से डाउनलोड करनी होगी और यूट्यूब पे वीडियो आपकी नहीं चलेगी। इसके अंदर मीडिया डाटा है, सिर्फ इसमें फोल्डर ही बने होते हैं, आप इसमें कोई भी मीडिया एक्सेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसमें आपको फाइल्स दिखेगी और वो भी कुछ इस प्रकार ब्लैंक ब्लैंक। तो अगर आपके पास डाउनलोडेड वीडियो है तो आप इसको, अगर वो आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप इसे डिलीट ना करें, सिर्फ इसमें से यूट्यूब वाला इसको छोड़ के, जैसे कि मीडिया में जाके यहाँ पे अभी इसमें फिलहाल देखिए जितने भी ऐप्स यूज़ करते हैं इसमें सभी है। तो जैसे कि मुझे ये यूट्यूब का मुझे चाहिए तो मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, बाकी सभी को डिलीट। वैसे मुझे ये पूरा ही फोल्डर नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको पूरा ही फोल्डर मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको ये देखिए एक कॉल रिकॉर्डिंग है, मुझे कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मैं इसे डिलीट ना करूँ, परंतु मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और डाउनलोड अगर आपने कुछ किया है तो इसमें वो सेव रहता है, ये एक लेजी लिस्ट है, ये मेरे काम की नहीं है। और स्क्रीन रिकॉर्डर, ये देखिए मेरे जितने भी है और ये सॉन्ग्स, तो फिलहाल मेरे पास यही है जो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। देखिए तीन फोल्डर डिलीट हो रहे हैं, इससे आपकी इंटरनल स्टोरेज काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप फोल्डर, आपके पास व्हाट्सएप पे बैकअप और उसके लिए तो आपने देखा ही होगा, तो आप जीमेल के थ्रू बैकअप रखते हो ड्राइव में, परंतु यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करोगे तो ये वॉलपेपर आपके काम की चीज़ नहीं है, GIFS ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ऑडियो अगर आप ऑडियो चैट करते हो तो पुरानी आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शनल वर्क करते हो तो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट इसको ना करें डिलीट, इमेज आपके काम की, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, स्टिकर्स और व्हाट्सएप वॉइस नोट्स आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हो। ये देखिए इसे, ये बेकार फोल्डर होते हैं पड़े हुए, तो आप इसका यूज़ नहीं करते हो तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, मैंने सेंड मतलब प्राइवेट, तो ये खाली है तो मैं इसे भी डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी बहुत स्पेस एक्सेस करता है। ये देखिए इमेज अभी हमने इसे सेंड किया था तो इसमें आ गई है। ये देखिए मैं अभी इसमें से सभी फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए, देखिए अब ये सब कुछ डिलीट हो चुका है और मेरा रियल फोल्डर है जिसमें मैंने सब कुछ स्टोर करके रखा है, तो मैं इसमें ही इसको ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाकी फोल्डर मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे मेमोरी स्पेस बढ़ा रहे। तो देखिए चलिए देखते हैं अभी, तो ये देखिए 2.5 GB फ्री, मतलब कि 2.2 से ये हो गया है 2.5, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। और इसके पार्ट टू में देखिए और भी स्पेस कैसे कम करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।